दोस्तों नमस्कार। ये मेरी खुश नसीबी है कि आज मेरे साथ एक बार फिर सूचना इंडिया टीवी न्यूज चैनल के चेयरमैन श्री ऋषभ आजाद मिश्रा साहब हैं। ये उत्तराखंड दौरे पर आए हुए थे तो मैंने आमंत्रित किया कि आइए थोड़ा सा वक्त मेरे चैनल के लिए भी दे दीजिए, यूट्यूब चैनल के लिए। तो फिर आ गए हैं तो इनका लाभ उठाएं। हालांकि मैंने इनसे कहा कि आज आप बस हाँ या ना कीजिएगा, पर ऐसे कहाँ मानेंगे, ही तो महामहिम है। मैं इनसे एक बात कर रहा था कि आजकल जो रिपोर्टर ये नियुक्त करते हैं कोई भी टीवी चैनल वाले, उसमें चरित्र प्रमाण पत्र की क्या महत्ता है। तो सर चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में बता दीजिए, फिर मैं अगली बात शुरू करेंगे, संदेश भी चला जाएगा। जो चरित्र प्रमाण पत्र का मूलभूत एक उद्देश्य है, या कह लीजिए कि एक सिद्धांत है, कि किसी भी व्यक्ति के विषय में अगर हमें जानकारी नहीं है तो उसके नज़दीकी थाने से या एसटीएम या एसएसपी के द्वारा उसका जीवन परिचय मालूम पता चल जाता है कि उसका उस क्षेत्र के अंतर्गत क्या विशेषताएं हैं, या उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई आरोप वगैरह तो नहीं है, कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है इसलिए, या उसके ऊपर कोई आरोप या किसी प्रकार के किसी मुकदमे में वांछित तो नहीं है, इसलिए चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत हम लोगों को जनरल पड़ती है। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल सही बात है। मेरा एक सवाल है सर आपसे जी, कि अगर किसी का चरित्र ठीक नहीं आता होगा उसमें तो फिर तो निश्चित रूप से आप लेंगे ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे, और पता चलने के बाद उससे तत्काल प्रभाव से निकाला भी जाएगा। दोस्तों बस यही टॉपिक है मेरा अपने कल की अवतार के बारे में वीडियो बनाने के। आज भी देखिए आप, आज भी एक सरकारी नौकरी भी, प्राइवेट नौकरी भी, टीवी चैनल में पत्रकार या अन्य पोस्ट पे नौकरी भी, अगर आपका चरित्र ठीक है तभी मिलती है, अगर चरित्र का संदिग्ध है तो नौकरी नहीं मिलेगी। चरित्र की बहुत बड़ी वैल्यू है। एक इस बात को आप समझिए कि सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट या चैनल में नौकरी भी, अगर आपका चरित्र ठीक नहीं लिखा है तो आपको निकाल दिया जाएगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। चरित्र की इतनी बड़ी महत्ता है, और हमारे साथ क्या है, कलयुग में हमारे साथ हो क्या रहा है, आज भी चरित्र की महत्ता है, हमारे साथ हो क्या रहा है। पहले हुआ था स्त्री हरण, त्रेता में, द्वापर में आए चीर हरण, कलयुग में चरित्र हनन हो रहा है। हम चरित्र वाले ही हैं तो, और बिना चरित्र के नौकरी नहीं लग सकती किसी संस्थान में सरकारी। हाँ, अगर मैं वैसे कहूँ जितना हम इंक्वायरी कराते हैं नौकरी वगैरह के लिए, इतनी इंक्वायरी चरित्र प्रमाण पत्र की शादी ब्याह में करा दें तो क्या बात होगी, शादी हो ही नहीं सकती। मतलब आप ये देखिए, इन्होंने इसको क्षमा कीजिएगा, सर ने तो एक बात कही, शादी हो ही नहीं सकती का मतलब है कि अगर चरित्र की इस तरह से जाँच करा ली जाए कि हमें इस लड़की या लड़के से शादी करनी, इसका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, तो नॉर्मली चरित्र प्रमाण पत्र वैसे होते नहीं है, वो तभी बनते तो होंगे सर, स्कूल से बनते हैं, स्कूल से बनते हैं, स्कूल या विद्यालय से बनते हैं, मगर जनरली जैसे अभी नौकरी के लिए होता है कि वो पुलिस देती है, तो वो फिर वो सर्टिफाइड किससे हो सकता है, वो तो नौकरी के लिए ही जरूरत पड़ती है सर, वो भी क्षेत्र से और नज़दीकी सांसद या विधायक या SSP या DM या स्कूल के प्रधानाचार्य से ही पता चल सकता है इस विषय। मतलब चरित्र की, भले ही चरित्र हनन हो रहा हो मगर चरित्र की प्रधानता इतनी है कि चरित्र अगर सही नहीं है आपका तो नौकरी तो मिलेगी नहीं, कर्म से तो आप निकाल दिए जाओगे, कर्म के बिना तो फिर पालन पोषण नहीं होगा। तो आज भी कलयुग में भी वो कहते हैं ना कि 1%, उस 1% में सर्वोपरि अगर कुछ है तो चरित्र है, चरित्र है, संस्कार है। आज भी क्या है, आप कितने पैसे वाले हो, कितने भी सोर्स वाले हो, कुछ भी हो आप, अगर आपका चरित्र सत्यापित नहीं सही हो रहा है तो आप निकाल दिए जाओगे। तो चरित्र पे जो मैंने बातें करी दोस्तों, आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। सर धन्यवाद आपका, आप मेरे चैनल पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया।